इतिहास के रेशमी धागों में बुना एक संसार। गुजरे कल की रोशनी से दरबतर अतीत की अनचिन्ही इबारतें। जहां परिकथाएं पलती हैं, ये गवाह है प्रेम में डूबे उस अजीम दौर का, जब पत्थर बन गए थे मृदंग और हवाएं बांसुरी बन बजती थी। सदियां बीत गई, लेकिन अब भी ये दुनिया अपने अतीत की कहानी कहने के लिए जाग रही है। एक एक पत्थर बिखर कर भी कीर्ति ध्वज बनकर खड़े हैं। यहां आकर ऐसा लगता है मानो किसी माया नगरी में आ गए। एक एक अनगढ़ पत्थर भी बोलता है, वो सुनाते हैं अतीत के हैरत अंगेज किस्से। ये है राजा कर्ण की नगरी बेमिसाल बिलहरी। जहाँ होता है अतीत और आधुनिकता का संगम, वो धरोहर है बेमिसाल बिलहरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं धरोहर, मैं हूँ आपके साथ तृप्ति सोनी। आज की हमारी खास पेशकश है बेमिसाल बिलहरी। कभी सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत में एक से बढ़कर एक किस्से भरे पड़े हैं, कई बेहद चमत्कारिक हैं। इन पर सहसा विश्वास नहीं हो पाता, लेकिन प्रमाणों के आगे इनकी सच्चाई को झुठला पाना भी संभव नहीं लगता। इन्हीं में से एक है कटनी स्थित बिलहरी नगर, जो राजा कर्ण की राजधानी हुआ करती थी। बिलहरी में बिखरे अवशेष आज भी उसकी वैभव गाथा को बयां करते हैं। सदियों पहले अस्तित्व में आई ये नगरी, जिसके आंगन में अतीत और आधुनिकता का संगम देखा जा सकता है। ये अतीत का झरोखा है, ये इतिहास की स्मृतियां हैं। भले ही अब ये खंडहर में तब्दील हो गई हैं, लेकिन आज भी ये निशानियां हजारों साल पुराने इतिहास को ताजा कर देती हैं। वीरान हो चुके ये स्मारक अतीत के वैभव की गाथाएं संजोए हुए हैं। यहाँ संस्कृति की मधुर स्वर लहरियां सुनाई देती हैं। इतिहास की ये बेमिसाल धरोहर कटनी जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर पश्चिम में बिलहरी में स्थित है, जिसे कालांतर में पुष्पावती के नाम से भी जाना जाता था। बिलहरी कलचुरी वंश के राजा कर्ण की राजधानी कही जाती थी। यहाँ का इतिहास हजारों साल पुराना है, जो राजा विक्रमादित्य के कार्यकाल से मिलता जुलता है।
1700 वर्ष पहले बिलहरी में राजा गोविंद चंद देव का शासन था। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। वक्त ने भले ही बिलहरी को बदल दिया हो, लेकिन उसके वैभव में कोई कमी नहीं आई है। हमारे गांव में लक्ष्मण सागर है, श्रृंगार चोरी है, माँ चंडी का दरबार है, और कामकंदला स्थान है, तपसी मठ है, विष्णुवरा है, ये सब चीज़ें उसी के लगभग शासनकाल की हैं। ये राजा करण और इसमें काफ़ी भ्रांतियां हैं। कई लोग कहते हैं ये महाभारत वाले कारण हैं, और जबकि ये महाभारत वाले नहीं, क्योंकि वो तो द्वापर में थे। ये कलयुग के कारण है। ये लगभग कहना चाहिए अपन को तो 1200-1300 साल पुरानी बातें होंगी अंदाजा एक लगभग। बेमिसाल मजबूती। अद्भुत शिल्पकला। और ऐतिहासिक धरोहरों को अपनी गोद में संजोए हुए है बिलहरी। पुष्पावती नगरी के उत्थान के दौर में यहाँ अनेकों राजप्रसादों, किलों, तालाबों, मठों और मंदिरों का निर्माण कराया गया था, जो इसके राजसी वैभव और सियासी शाने शौकत का प्रतीक थे। कालांतर में आक्रमणकारियों के दौर में पुष्पावती नगरी के शासक अपने राज्य की रक्षा नहीं कर सके, लिहाजा निर्दयी आक्रांताओं ने यहाँ के मठों, मंदिरों और अन्य कलाकृतियों को क्षतिग्रस्त कर काफी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद भी उनके भग्नावशेष किसी तरह नष्ट होने से बचे रहे, जो आज भी लोगों को पुष्पावती के गौरवशाली साम्राज्य की गाथा सुनाते हैं। जो यहाँ पर सिंपल सा रहता हम लोग देख रेख करते हैं, और यहाँ हाजिरी रजिस्टर चार्ज वगैरह अभी तक तो जो शुरू से ये सब चीजें चल रही हैं, जहाँ लग रहा है कि यहाँ पे तरक्की कुछ ऐसा हो रहा है तो वहाँ करती भी है, जहाँ नहीं हो पा रहा वहाँ ध्यान भी रखने के लिए आगे सोच रही है। बिलहरी में प्रवेश करते ही एक बड़ा तालाब है, जिसके एक तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ पान के खेत। जानकारों के मुताबिक इस तालाब का निर्माण कलचूरी राजा लक्ष्मण राज ने 945 ईस्वी में कराया था। लक्ष्मण राज के नाम से ही इस तालाब का नाम है। मान्यताओं के मुताबिक इस तालाब की गहराई में अथाह सोना है। कहा जाता है कि एक सोने की नथ पहनी हुई मछली है, और तालाब के बीचों बीच एक मंदिर भी है, जो कि तालाब में पानी कम होने के बाद दिखाई देता है। राजा कर्ण की राजधानी कहे जाने वाली बिलहरी नगरी में बने कुंड सैकड़ों वर्ष पुराने अतीत को संजोए हुए हैं। लोग इसे प्रकृति की अनमोल भेंट मानते हैं। विकास बर्मन, IBC 24, कटनी। एक ऐसा कस्बा जहां हर दिन सोना निकलता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुष्पावती नगरी बिलहरी की। ये स्थान न सिर्फ 945 ईस्वी के इतिहास को संजोए हुए है, सोना देने वाला गांव है, पग पग में झलक रहा अनूठा इतिहास, ऐतिहासिक धरोहर को समेटे हुए है बिलहरी। प्राचीन विशाल मंदिरों के अलावा किले के अवशेष, फांसी देने का स्थान, रानी की सिंगार चोरी और बावली को देखकर वर्तमान में भी बिलहरी के अतीत का अंदाजा लगाया जा सकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार राजा कर्ण यहाँ राज करते थे और प्रतिदिन प्रजा को सोना दान किया करते थे। कहा जाता है कि राजा कर्ण सूर्योदय से पूर्व स्नान करके चंडी देवी के मंदिर जाते थे, जहाँ विशाल कड़ाही में तेल उबलता था। इसमें राजा कूद जाते थे और उनका मांस भक्षण करने के बाद देवी उन पर अमृत छिड़क कर जीवित करती थी और 2.5 मन सोना प्रदान करती थी। देवी से प्राप्त सोना में से 1.25 मन सोना राजा सुबह गरीबों को दान दिया करते थे। राजा कर्ण की ये पुष्पावती नगरी के नाम से जानी जाती है। इस पुष्पावती नगरी में कई मठ मंदिर हैं। बिलहरी के जो वर्तमान में बिलहरी ग्राम के नाम से जानी जाती है, उन मठ मंदिरों के अलावा बिलहरी क्षेत्र में जगह जगह मूर्तियां भी पड़ी हुई हैं, जिनको पुरातत्व द्वारा संरक्षित किया गया है। वर्तमान में संरक्षित मूर्तियां पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। शासन द्वारा, पुरातत्व विभाग द्वारा
हमारे कुछ खंडहर मंदिरों में काम भी करवाया गया है जो आज देखने के लायक है। बिलहरी में मौजूद किला समय के साथ भले ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन इसकी निशानियां गुजरे काल की कलाकारी का प्रमाण देते हुए लोगों को अचंभित कर रहे हैं। किले के मध्य भाग में स्थित सिंगार चोरी के बारे में बताया जाता है कि यहां के भूमिगत रास्ते से रानी सीधे बावली और जलाशय पहुंचती थी और स्नान करने के बाद सिंगार चोरी में कपड़े बदलने के बाद श्रृंगार करती थी। इसके अलावा अपराधियों को फांसी की सजा देने का स्थान आज भी रोंगटे खड़ा कर देता है। पत्थरों में बनी मूर्तियां और कलाकृतियां वर्षों बाद भी अपने अस्तित्व को संजोए हुए हैं। यहां आने वाले सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अपनी प्रजा को प्रतिदिन सोना दान करने वाले दानवीर राजा कर्ण का यह स्थान भले ही प्रशासनिक उपेक्षा का दंश झेल रहा हो, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से बड़ा ही खास स्थान है। यहाँ पर बनी गढ़ी, किला, फांसी घर, काम कंदाला के पत्थरों के शिल्प बेहद रोमांच से भरी है। साथ ही लक्ष्मण सागर तालाब का सौंदर्य निहारते ही बनता है। विकास बर्मन, IBC 24, कटनी। बिलहरी में एक अज्ञात देव का मंदिर है। 3 मंजिला ये मंदिर स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। जानकारों के मुताबिक गोंड शैली में बना मंदिर 17वीं शताब्दी का है। भले ही इसका निर्माण काफी पहले हुआ हो, लेकिन मंदिर में प्राचीन काल और आधुनिकता का मेल आसानी से देखा जा सकता है। राजा कर्ण की राजधानी बिलहरी आने वालों के लिए यहाँ का तालाब सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है, लेकिन तालाब के किनारे बिखरी मूर्तियां भी यहाँ आने वाले सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इनमें गणेश जी, विष्णु जी, देवी माँ और शिवलिंग को देखकर लोग अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करते हैं, साथ ही उनकी बदहाली पर मायूसी भी। पुराने घाट के नजदीक ही छोटी सी गढ़ी बनी हुई है। इसका प्रयोग राजा महाराजाओं के समय नहाने के लिए किया जाता था। तालाब से ही लगा हुआ एक मठ भी बना हुआ है। जानकारों के मुताबिक इस मठ का निर्माण कलचुरी कालीन समय का है। इस मठ के ऊपरी हिस्से का निर्माण 15 से 16 शताब्दी का है, जो गौण राजाओं ने करवाया था, और इस मठ के चारों ओर दीवार बनवाने का कार्य भी किया गया है। ये राजा कर्ण का तपसी मठ के नाम से जाना जाता है, जो तप करने का स्थान है। ये तपस्थलित पुष्पावती नाम से जाना जाता है। ये हमारे बुजुर्ग हैं जो दादा लोग, वो ये कहानी भी और सच्चाई भी कुछ बताते हैं कि ये राजा कर्ण जो 125 सोना दान देते थे, 11वीं सदी के थे, ये 11वीं सदी में 125 सोना दान देते थे। ये इनका एरिया काफी लंबा चौड़ा है, यहाँ से तालाब और से मठ हो गया और जंगल में भी कुछ स्थान वगैरह है इनके, तो ऐसे करके चंडी माता मंदिर भी है। और यहाँ से नीचे नीचे रास्ता तालाब लक्ष्मण सागर तालाब के लिए भी जाता है, जो वहाँ पे उनका स्थान अभी भी है, फांसी घर वगैरह है, तो वहाँ स्नान करते थे, आते थे नीचे नीचे रास्ते से, खुफिया रास्ता जिसको बोल दें। मठ से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है एक मंदिर, जिसे स्थानीय लोग अज्ञात देव का मंदिर कहते हैं। असलियत में ये शिव मंदिर है, जिसमें कोई शिवलिंग नहीं है। 3 मंजिला ये मंदिर वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, जो अलग अलग स्थापत्य काल का श्रेष्ठ उदाहरण है। ये मंदिर गौड़ शैली में बना हुआ है, जो एक चबूतरे पर बना हुआ है, जिसमें हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का दर्शन होता है। मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है। मंदिर के ऊपरी हिस्से में एक विशाल गुंबद है, जिसके चारों कोने पर छोटी छोटी छतरियां बनी है। मंदिर के मुख्य द्वार के बाईं ओर हनुमान और दाईं ओर भैरव की प्रतिमा बनाई गई है, जबकि द्वार के ललाट बिंब पर गणेश प्रतिमा दिखाई देती है। राजा कर्ण चेरी वंश के 600 ईस्वी में हुए थे। उनका ये तपसी मठ के नाम से किला जाना जाता है। तपसी मठ के नाम से चर्चाओं में भी है। ग्राम बिलहरी जिला मुख्यालय से मात्र 15 किलोमीटर दूर है। इसके बाद भी पर्यटन के नाम से विकास से बहुत दूर है। यदि शासन बिलहरी को पर्यटन स्थल बनाने के लिए थोड़ा भी ध्यान दे दे, तो कटनी जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल बन सकता है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है।
जिसमें केवल अब योनि ही शेष बची है। लिंग चोरी हो चुका है। मंदिर की अंदरूनी छत पर तरह तरह के फूल पत्ती मछली को दर्शाया गया है। इस मंदिर के अंदर के द्वार के दोनों ओर हनुमान जी की आकृति है, परंतु अब इसके रंग फीके पड़ चुके हैं। इस मंदिर में प्राचीन कला और आधुनिकता का मेल आसानी से देखा जा सकता है। इस मंदिर के समीप एक परिसर दिखाई पड़ता है जिसमें लगभग 450 मूर्तियां रखी हुई हैं, जिसमें जैन और हिंदू धर्म से संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। यहां उपस्थित विरासत भारत के लिए खजाने जैसा है। विकास बर्मन, IBC 24, कटनी। राजा कर्ण की राजधानी कही जाने वाली बिलहरी नगरी में बने कुंड सैकड़ों वर्ष पुराने अतीत को संजोए हुए हैं। कुछ लोग इसे जहां प्रकृति की अनमोल भेंट मानते हैं, तो वहीं कई लोग इसे राजा महाराजा की धरोहर बताते हैं। कटनी जिला मुख्यालय से महज 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिलहरी गांव ऐतिहासिक धरोहरों से अटा पड़ा है। ऐतिहासिक धरोहरों से भरी पड़ी है बिलहरी नगरी। प्रकृति अनेकों रूप में यहाँ लोगों को ना सिर्फ अचंभित करती है, बल्कि वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर करती है। राजा कर्ण का किला, गया कुंड, काम कंदिला, बावली मंदिर, फांसी घर सहित कई ऐसे धरोहर हैं जो सदियों से आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लेकिन इनमें पुष्पावती नगरी का बिलहरी का गया कुंड सबसे ज्यादा लोगों को आकर्षित करता है। बिलहरी की ये कुंड साल भर पानी से लबालब रहते हैं और लोगों की प्यास बुझाते हैं। इन कुंडों का सबसे बड़ा अतीत ये भी है कि महाअकाल आने के बाद भी कुंड जस के तस पानी से भरे रहते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के जल स्रोत से हमेशा से क्षेत्र की प्यास बुझी है और सिंचाई का कार्य भी होता रहा है। तपसी मठ कहेंगे, यहाँ पर पूजा वगैरह होती थी उस समय पे। और रही बात राजा करण की, तो ये सवा मन सोना प्रतिदिन चंडी मंदिर में दान करते थे। और यहाँ पर जो भी हैं तो उनकी पूजा अर्चना वगैरह होती थी और बलियां वगैरह दी जाती थी। ये पूजा करने का स्थान है, इसे किला बोल देते हैं, बाकी ये है तपसी मठ। बिलहरी के गयाकुंड में एक विशाल शिव मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ दूर दूर से शिव भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। मंदिर के पास में ही 6 कुंड बने हुए हैं। इन कुंडों की विशेषता ये है कि बरसात हो, ठंड हो या फिर गर्मी ही क्यों ना हो, पानी इनमें हमेशा जस का तस भरा रहता है। बिलहरी के नलकूप और कुओं का जलस्तर 50 फीट के नीचे है, लेकिन इन कुंडों में 4 से 5 फीट में भी पानी भरा हुआ है। जानकार बताते हैं कि मंदिर के नीचे भी एक गुप्त कुंड बना हुआ है। गया कुंड में बीच के कुंड का पानी कभी भी खत्म नहीं होता है। इस कुंड से साल भर पानी लगातार निकाला जाए, तब भी ये जस का तस ही रहता है। यहाँ पर कुल 86 बावलियां हैं और 108 मंदिर भी बने हुए हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश का रखरखाव ना होने के कारण अस्तित्व खत्म हो गया है। पत्थर पत्थर पर आकर्षक नक्काशी और कलाकृतियां खुद ब खुद अपने समय की सुंदरता का इतिहास उजागर करती हैं। यहां प्राचीन विशाल मंदिरों के साथ राजा कर्ण के किले के अवशेष,
सजा देने का स्थान रानी की श्रृंगार चोरी, बावली वर्षों पुराने इतिहास को बयां कर रहे हैं। विकास बर्मन के साथ आईबीसी 24 कटनी। इसी के साथ धरोहर में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।